इस समय चार शंकराचार्य पीठ में से एक ज्योतिपीठ शंकराचार्य पीठ जो अब समय खाली है उसको लेकर विवाद चल रहा है, उसको लेकर बात करते हैं अखाड़ा परिषद अध्यक्ष जमदपुरी महाराज जी, क्या है पूरा मामला और क्या निर्णय लिया जा रहा है अखाड़ा परिषद? देखिए, हमें तो आज ये बात सुनने में आई है कि उनका पट अभिषेक हो गया है। पट अभिषेक तभी होता है जिसमें हजारों की संख्या में संत महात्मा होते हैं, जितने हमारे अखाड़े हैं, महामंडलेश्वर है, अखाड़ों के आचार्य, ये सभी वहाँ जाते हैं, सभी चादर विधि करते हैं। पट अभिषेक उनको जो है, हम क्या करते हैं, चादर विधि होती है, जो अपना जैसे कोई चादर है उनको ओढ़ाते हैं, फूलों की माला पहनाते, उसको पट अभिषेक कहते हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्टे आ गया, तब उन्होंने ये कहा है कि मैं 12 कोई बना हूँ, परंतु वो बने कहाँ? अब समस्या ये भी है, जोशी मठ में, उत्तराखंड में जोशी मठ है, तो जो भी यहाँ की नियुक्ति होगी वो मठ में होगी, वो कहीं गुजरात में नहीं होगी, वो कहीं अमेरिका में नहीं होगी, अफ्रीका में नहीं होगी, वो जोशी मठ में ही नियुक्ति होती है। जिसकी भी नियुक्तियाँ आज तक हुई जोशी मठ में ही होती है, परंतु पहली बार ये सुनने में आ रहा है कि मैं भाई बन के आया हूँ। भाई आप वहाँ से बन के क्यों आए, कारण क्या है, आप यहाँ क्यों नहीं बन रहे हो? इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये शंकराचार्य महाराज श्री नहीं है, ये फर्जी रूप से प्रचार कर रहे हैं। आने वाले समय में अखाड़े की मीटिंग होगी, जितने हमारे सन्यासी अखाड़े हैं सबकी मीटिंग होगी और नए शंकराचार्य की हम घोषणा करने जा रहे हैं। अभिनंदन समारोह जो हो रहा है गुरुजी, उसमें किस तरह? देखिए, हमें तो ये पता लगा था कि वो जो है यहाँ पे चादर विधि करने जा रहे हैं, लेकिन जब स्टे आ गया, अब उनका ये कहना है कि भाई मेरी चादर विधि पहले से हो गई है, हुई कहाँ है, कौन उसमें था? जब एक शंकराचार्य की जो चादर विधि होगी उसमें तो हजारों लोग होंगे, उसमें हजारों संत होंगे। भाई आप एक समाज के गुरु बनने जा रहे हो, भगवान बनने जा रहे हो, आप चोरी छुपके से आँख मचोली क्या है, ये आँख मचोलियाँ क्यों हो रही है? कभी वहाँ बन रहे हो, यहाँ बन रहे हो, ये हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि महाराज श्री को भी पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। इसीलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं, मैं आपके माध्यम से ये सबको कहना चाहता हूँ कि महाराज श्री शंकराचार्य नहीं है, शंकराचार्य आने वाले कुछ दिनों में हम जो है अखाड़े वाले सब मिलकर के शंकराचार्य की नई घोषणा करेंगे, वही शंकराचार्य कहलाया जाएगा। देखिए, ये जो जोशी मठ है, आपने देखा होगा ये बद्रीनाथ से करीबन 100 किलोमीटर पहले जोशी मठ है, जोशी मठ की पीठ है, जोशी मठ एक पीठ है, इसी पीठ का शंकराचार्य होता है, जिसकी नियुक्ति जोशी पीठ में ही होनी चाहिए थी, और उत्तराखंड के संत महात्मा जितने सन्यासी है, आचार्य है, महामंडलेश्वर है, सभी को उसमें हिस्सा लेना अति आवश्यक था। परंतु आप वो कहते हैं मैं तो बन के आया, अब आप कहाँ से बन के आए, आपको कौन बनाया, हम तो नहीं जानते हैं। देखिए, हमारा कोई विवाद नहीं है, जो शंकराचार्य पद है, जितने भी हम अखाड़े सभी अखाड़े मिलके, जो सन्यासी अखाड़े सब इकट्ठे होकर के एक ऐसे विद्वान व्यक्ति को, जो विद्वान हो, जो सुबह उठ करके 6 घंटे पूजा पाठ करता हो, जिसकी जो है धर्म में आस्था हो, धर्म में रुचि हो, वैसे व्यक्ति को ही शंकराचार्य बनाया जाएगा। क्या इस मामले में कोर्ट भी गए हैं, कोर्ट से क्या निर्णय आया? देखिए, अभी इस समय आपने देखा होगा एक स्वामी जी हमारे हैं जो शंकराचार्य बन के पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, परंतु वो शंकराचार्य नहीं है। मैंने पहले भी ये कहा था, वो फर्जी रूप से फर्जी शंकराचार्य बन के घूम रही है, वो शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य जो है अखाड़े जो है बहुत जल्दी किसी की घोषणा करने वाले है। कौन शंकराचार्य होगा, उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए? आप देखिए, अभी हमारी बैठक होगी, बैठक में यह तय होगा शंकराचार्य कौन होगा, और मैंने आपको ये कहा उसका विद्वान होना अति आवश्यक है, उसके अलावा उसको धर्म में रुचि होनी चाहिए, कम से कम सुबह उठ के जो 5 से 6 घंटे जो भगवान की पूजा करता हो, ऐसा न हो कि कोई राजनेता न हो, ये सब चीज़ें देख के बड़े विधि विधान से जो शंकराचार्य पद है उसकी शपथ दी जाती है। शंकराचार्य का अर्थ है भगवान, भगवान शंकर का एक अवतार शंकराचार्य। अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष साहब कहना है कि जो भी शंकराचार्य बनेगा वो विद्वान होगा, अब देखने वाली बात होगी अखाड़ा परिषद कब फैसला लेता है कि नए शंकराचार्य कौन होंगे जोशी मठ से। जोशी कुल अभी भी गंगा हरिद्वार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।